विराजे रहिए। विराजे रहिए, विराजे रहिए। आप और नीचे आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी पूर्व वक्ताएं, और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ इस पंडाल में विराजे हुए सभी स्वाभिमानी सेना के सदस्य। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय बाड़मेर जैसलमेर राजनीतिक केंद्र बन गया था, सबकी नजर थी, देश की नजर थी, विश्व के पत्रकारों की नजर थी, विश्व से संदेश आते रहे। और 2018 में दोबारा सबकी नजर यही है। 2018 में अनेकों रैलियां हुई है यहां, 2018 में कोई गौरव के नाम से हुई है और कोई संकल्प के नाम से हुई है। 2018 में जो सबसे बड़ी सभा हुई है वो स्वाभिमान के नाम से हुई है। स्वाभिमान का अभियान, स्वाभिमान का अभियान 2014 में बाड़मेर और जैसलमेर में कुछ राजनीतिक घटनाक्रम हुए, उसके कारण ये अभियान चालू हुआ। हम किसी की इच्छा नहीं थी कि अभियान होए बने, परंतु षड्यंत्र था। आज कुछ बातें की खुलासा करने की आवश्यकता है। कई समय से लोग मुझे कहते हैं कि आप कुछ बोलते नहीं हो, कुछ बात खुली करिए, कुछ बात जो छुपाई हुई है वो आज ओपन में करिए। आज समय आ गया है कुछ बातें करने का। यहाँ पुलिस प्रशासन वर्दी में भी है और बिना वर्दी भी है, और सरकार का नियम है कि जो भी राज्य सरकार में परेशान करे और जिस व्यक्ति से राज्य सरकार परेशान हो उनका फोन टैप होता है, उनके पीछे कोई सीआईडी लगी होती है, वो बात मानते हुए भी 2014 में दिन के 12:30 बजे जब सबको पता है कि जो फोन टैपिंग की ड्यूटी पर बैठे हैं वो बिल्कुल सावधान है, सुन रहे हैं, दिन के 12:30 बजे मुझे उस समय मुख्यमंत्री ना वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया। चुनाव के समय, चुनाव के नामांकन हुए थे, नरेंद्र जी मोदी का फोन आया मुझे, 12:30 बजे का दिन था, समय था, और उन्होंने कहा कि मानवेंद्र जी हम दोनों का पुराना संपर्क है, पुराने संबंध है। मैंने कहा नरेंद्र भाई है, मैं उनको पत्रकार, मेरा जब पत्रकार जीवन चालू हुआ था उस समय से मैं जानता था, उनके साथ सप्ताह भर में रहा, 24 घंटे साथ मैंने यात्रा करी है, एकता यात्रा के समय जब मैं पत्रकार था तो मैं जानता हूँ, यात्रा करी है एकता यात्रा के समय जब मैं पत्रकार था तो मैं जानता हूँ उनको। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ जो भी हुआ है टिकट को लेकर, लोकसभा टिकट को लेकर, बाड़मेर के टिकट को लेकर, ये गलत हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं। जिस मीटिंग में ये फाइनल हुआ था उस मीटिंग में मैं था नहीं, तो मैंने उनको कहा कि जी नरेंद्र भाई मुझे जानकारी है कि आप उस मीटिंग में थे नहीं, परंतु कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में है नहीं, ये षड्यंत्र किसी जयपुर के रहने वाले और दिल्ली के दो लोगों ने करा है, और इससे ज़्यादा मुझे कोई नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ये उनके शब्द थे। आप समझ गए उनका इशारा किसकी तरफ था, समझ गए ना? उन्होंने स्पष्ट कहा था
कि जयपुर में किसी व्यक्ति के और दिल्ली के दो व्यक्ति उनका ये षड्यंत्र है। और मेरा आपसे यही निवेदन है, हमारा पुराना संबंध है, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप धैर्य रखें। अब इसके बाद जो घटनाक्रम हुआ दाता के स्वास्थ्य का चोट का, जो पीड़ा हॉस्पिटल में देखी और जो लगातार प्रतिदिन देख रहे हैं घर में, उसके बाद तो धैर्य रखना ही पड़ता है। ध्यान पूरा सोच हर समय हर पल, चाहे मैं बाड़मेर में हूँ, चाहे दिल्ली में हूँ, कहीं बाहर हूँ, हर समय चिंता रहती है कि घर में व्यवस्था ठीक है, जो सेवा कर रहे हैं वो साथ में है या नहीं है, दवाई समय पर मिली नहीं मिली। और वहाँ मदर अकेली है, माता जी अकेली हैं, उनके ऊपर भी बोझ, आज उनको वैसे बुखार भी है। और दोनों भाई, हम दोनों में से एक वहाँ रहते हैं, एक यहाँ संभालते हैं राजस्थान में, आज संजोग से दोनों भाई यहीं हैं। इस स्वाभिमान सभा को सफल करने के लिए दोनों भाई महारानी में है, मारवाड़ में, और मदर अकेली है। ये सोच ये चिंता हमेशा रहती है वहाँ घर के बारे में, तो धैर्य तो रखना ही था और धैर्य रखा। मेरे धैर्य रखने के कारण अनेकों कार्यकर्ताओं को पीड़ा हुई, उनको प्रताड़ित किया गया, जैसे वकील साहब ने कहा है, छोटे छोटे पद से लेकर अधिकारियों तक उनको छोड़ा नहीं, मेरे कारण हुआ है। पर उन्होंने सहन करा क्योंकि उनके रग रग में स्वाभिमान है, स्वाभिमान की जो भावना उनके रग में है, उन्होंने सहन करा। किसी को धौलपुर भेजा बाड़मेर से, तो किसी को चोटन से दिल्ली भेजा, परंतु बाड़मेर के आसपास किसी को रहने नहीं दिया। ये ऐसी छोटी सोच के साथ ये राज चला है। फिर हमारे यहाँ घटना हुई छतर सिंह वाली, फिर घटना हुई आनंदपाल सिंह वाली। जो राज का जो द्वेषता से जो राज था, उसका उदाहरण लगातार दिखता रहा। मैंने सार्वजनिक स्थान पर ये बातें कभी रखी नहीं है। मैंने बातें रखी हैं तो शीर्ष नेताओं के सामने रखी हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो जिन्होंने मुझे बुलाया, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जिन्होंने मुझे बुलाया, उनके सामने मैंने ये बातें रखी हैं, लगातार रखी हैं। जब भी समय मिला है उनके सामने लगातार बातें रखी हैं और उनको बताया है, समझाया है, जो जो राजस्थान में घटनाक्रम हुए हैं और जो राजस्थान का जो वातावरण है उसके बारे में मैंने उनको अवगत कराया है। और जब निर्णायक व्यक्तिगण जो निर्णय लेने की इसके क्षमता है, जिनके पास पद है, जब वो निर्णय लेने से चूक करें, तो निर्णय ले ही नहीं, निर्णय छोड़ दें, बात को दरकरार करें, तो धैर्य की भी सीमा होती है। आज वो सीमा समाप्त हुई है। इस सभा को लेकर जब हम निकले थे, सोच तो बिल्कुल सीमित थी कि अपनी जो टीम बनी थी 2014 में, उस टीम को दोबारा एकत्रित करें और उस टीम को दोबारा जागरूक करें, कुछ टीम से कुछ सलाह लें, आपस में चर्चा करें। परंतु जैसे ये अभियान और आगे बढ़ा, ये तैयारी आगे बढ़ी, तो लोकसभा क्षेत्र से बाहर होकर ये विषय जोधपुर संभाग में पहुंचा। जोधपुर संभाग, जैसे दुर्ग सिंह जी ने कहा, जोधपुर संभाग के बॉर्डर पर ओसिया में था जब दुर्ग सिंह जी ने कहा कि नागौर भी है, नागौर है तो बीकानेर भी है। इस
इसलिए आज की जो सभा है राजस्थान के अधिक से अधिक जिलों से स्वाभिमानी यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो मैं कल्पना नहीं कर सकता उन जिलों से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं उसी भावना को लेकर, जिस भावना से 2014 में हमने संघर्ष करा था, इस भावना को लेकर, इस भावना ने हमें ऊर्जा दी थी, वो भावना अभी भी हमारे में जीवित है। इस तैयारी की दौर में मैंने कुछ ऐसी बात सुनी जो हम कल्पना नहीं कर, वो हमारे यहाँ होती नहीं वो बात, क्योंकि हम तो यहाँ थे ही, हम तो लगे हुए थे। कोकण फलसून में मैंने सुना कि आप लोग तो बाड़मेर जैसलमेर वाले सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने 2014 में वोट तो दिए, आप लोगों ने वोट तो दिए, चाहे हार या जीत हुई वो बात अलग है, आपने वोट तो दिए, आप सौभाग्यशाली हैं, हमने तो कुछ करा ही नहीं, अब हमें वो भार उतारना है, इसलिए हम यहाँ यात्रा में आए। वो भार उतारने वाले सभी स्वाभिमानी अनेकों जिले से यहाँ पधारे हुए हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ और एक निवेदन भी आप सबसे जो बाहर से पता रहे हैं। श्रवण जी पत्रकार ने कहा था ये कोई सभा किसी पूंजीपति की सभा नहीं है, ना कोई किसी बड़ी पार्टी की सभा है, ये सभा सभी स्वाभिमानियों की सभा है जिन्होंने स्वयं के खर्चे से, स्वयं की जेब से खर्चा करा है, वाहन लाए हैं, लोग आए हैं, और मुझे पता है अनेकों फोन मेरे पास भी आए, अनेकों बार लोगों ने फोन करा कि हमारे यहाँ साधन नहीं है, हम कैसे आएंगे, हमारे यहाँ साधन नहीं है। तो मैंने उनसे क्षमा मांगी, तो मैंने कहा हमारी इतनी सीमा है जितनी हम कर रहे हैं, इससे भी हमारे पास सीमा है, इससे आगे हम बढ़ नहीं सकते, तो आपकी भावना रहे साथ में, आपका आशीर्वाद रहे साथ में, ये सभा सफल होगी। उनकी भावना रही, उनका आशीर्वाद रहा और ये सभा अति सफल रही है, सभा अति सफल रही है। मेरा एक प्रार्थना है आज, जो स्वाभिमानी जो बाहर से बता रहे हैं सभी स्वाभिमानी, आप आज इस सभा की एक चिंगारी लेकर वापस जाएंगे, ये सभा की चिंगारी आप वापस लेकर जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, अपनी ढाणी जाएंगे, और इस चिंगारी को जीवित रखनी, चिंगारी को ज्वलन रखना, उस चिंगारी को किसी और के हाथ में देना कि ये स्वाभिमान की जो भावना है, ये स्वाभिमान का जो प्रचार है, ये राजस्थान में और अधिक फैले, जो यहाँ उपस्थित हो नहीं सके उनके पास वे पहुँचनी चाहिए ये स्वाभिमान की चिंगारी। सबको विश्वास तो है, 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए, बहुत पीड़ित करा, प्रताड़ित करा, परेशान करा, परंतु ये स्वाभिमान की जो भावना है, स्वाभिमान के प्रति जो उत्साह है, कम नहीं हुआ है, केवल बढ़ा ही है, संख्या और बढ़ी है, इसलिए संख्या का प्रचार जो बाहर से बता रहे हैं जो यहाँ आ नहीं सके, उनके लिए प्रचार करना हमारा धर्म बनता है, आगे बढ़ाने के लिए आज बता रहे हैं आप अपने स्वयं के साथ आज का संदेश ले जाएं। संदेश बहुत साधारण है, संदेश बहुत सिंपल है, इस शब्द से हम यहाँ जुड़े हुए हैं, स्वाभिमान शब्द जिसके कारण हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये शब्द ये भावना सबका अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है, वर्ग का अधिकार है, गांव का अधिकार है, देश का अधिकार है, देश की भी स्वाभिमान होता है, गांव का भी स्वाभिमान होता है, उसकी रक्षा करना, उसकी सेवा करना, विशेषकर गरीब की, हमारा धर्म बनता है, और ये स्वाभिमान को जहां चोट पहुंचे, तो चोट 2014 में पहुंची थी,
उसके बाद लगातार चोट पहुंचती रही है, घाव बढ़ते रहे हैं और घाव को मलहम लगाने वाला कोई था नहीं। घाव को मलहम स्वयं लगाते थे, स्वाभिमानी लगाते थे, बाकी और कोई लगाने वाला था नहीं, सुनने वाला कोई था नहीं। जब कोई सुनने वाला है नहीं पर हम बोलते रहे, जहां मुझे कहना था हमने कहा और कुछ कार्रवाई हुई नहीं, सुनवाई हुई नहीं। इसी कारण धैर्य की सीमा आज समाप्त हुई। मैंने पुलिस प्रशासन को आश्वासन दिया था कि हम ये सभा समय से पहले 4 बजे से पहले समाप्त कर देंगे, क्योंकि लोगों को वापस जाना भी है, परंतु वक्ता इतने थे, समय आगे बढ़ा है और जो धैर्य आप सबने दिखाया है इस गर्मी में, इस तूफान में, ऐसा लगता है कि तूफान यहीं से चालू हुआ है और ये तूफान निश्चित रूप से पूर्व की दिशा में जा रहा है। तूफान 2014 में जिसको हमने जीवित रखा है, उस तूफान का नाम स्वाभिमान है और ये स्वाभिमान का तूफान निश्चित रूप से जयपुर पहुंचेगा, जयपुर से आगे भी इसका संदेश जाएगा। जब हम तैयारी कर रहे थे आज के सभा की, तो सबका प्रश्न यही था और कई ऐसे महान व्यक्ति हैं जो आए नहीं, क्योंकि उनको पता, उनको भी पता नहीं था, उन्होंने मुझे भी पूछा था कि निर्णय क्या होगा। तो मैंने कहा निर्णय मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं निर्णय लेने वाला हूँ ही नहीं, निर्णय ये सभा लेगी। जो ये सभा का निर्णय है, जो स्वाभिमान जनता का निर्णय है, वो मेरा निर्णय है। जो भी आप निर्णय लेंगे वो मेरा निर्णय है। घोषणा जनता करेगी, मैं जनता कोई घोषणा नहीं करूंगा। जो जनता ने, जो जनता चाहेगी, जो स्वाभिमान जनता चाहेगी, जो स्वाभिमान सेना चाहेगी, वही मेरा निर्णय है। समय बहुत हो गया है, आपने बहुत सहम से आज के सभी उद्बोधन सुने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी जो यहाँ नागरिक आए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रशासन को, जिन्होंने पुलिस से, जिला प्रशासन, जिन्होंने पूरा सपोर्ट करा। एक बात और कहनी थी आपसे। आज जब सवेरे मैंने घर में फोन करा माताजी से आशीर्वाद देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक ही बात याद रखना, सबको कहना कि स्वयं में अगर स्वाभिमान नहीं है, अगर स्वयं में स्वाभिमान नहीं है तो किसी और को इज्जत कर नहीं सकते। दूसरे की इज्जत करेंगे जब स्वयं में स्वाभिमान है। तो मेरे में स्वयं में स्वाभिमान है, परंतु मैं बेइज्जत नहीं होना चाहता। इसलिए आज जो निर्णय आपने लिया है, कमल का फूल, बड़ी फूल, वो मेरा निर्णय है। आगे जो आपका मार्गदर्शन रहेगा, जिस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं, और भविष्य